तो लीजिए दोस्तों, अभी जो है 20 मिनट हो गए हैं इसको चलते को, अभी हम इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं आखिर कितना टेम्परेचर हमारा एसी हमारे इन्वर्टर से दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी सीद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज आ चुकी है बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट आप सब दोस्तों के लिए, आप सब दोस्तों के घर के लिए, क्योंकि आज की प्रोडक्ट के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं बहुत ही कमाल का इन्वर्टर जो कि है श्योर कंपनी की तरफ से। तो आज आ चुका है मेरे पास दोस्तों श्योर कंपनी का 3000 वाट का इन्वर्टर। तो ये जो है छोटे साइज के अंदर इस बार आया है क्योंकि इसके वाट थोड़े से कम है बड़े 3000 वाट इन्वर्टर से। तो जो लोग जो है बड़ा 3000 वाट का इन्वर्टर नहीं ले सकते, वो थोड़ा छोटे वाट का 3000 वाट का लेकर उसके ऊपर जो अपने घर का लोड चला सकते हैं, इसके ऊपर आप पंखे लाइटें वगैरह सब चीज़ें चला सकते हैं जो इस कंपनी ने इसके ऊपर बताया हुआ है। हम सब चीज़ें इसके ऊपर चला के भी चेक करेंगे आखिर वो चीज़ें इसके ऊपर चल सकती हैं नहीं। तो बहुत ही कमाल का इन्वर्टर है, ये घर के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है क्योंकि उसके ऊपर आप पूरा दिन जो है मुफ्त लोड चला सकते हैं बैटरी का इस्तेमाल करके, और साथ सोलर पैनल के साथ कंट्रोलर लगा के आप इसके इन्वर्टर को जो है पूरा दिन फ्री चला सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का इन्वर्टर, आज हम इसे चेक करेंगे क्या क्या फीचर्स है, कितने वाट तक का मैक्सिमम लोड उठा सकता है, घर की क्या क्या चीज़ें चला सकता है, उसके बाद क्या इसके ऊपर एक का एसी भी चल सकता है, इन्हें आज ये भी टेस्ट करने वाले हैं। तो उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आने वाली है, अगर आपको पसंद आए इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर इस वीडियो को आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह मैं और अच्छे अच्छे इन्वर्टर आप सब दोस्तों के लिए लेके आता रहूंगा। तो दोस्तों अब टाइम को ज्यादा जाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपने 3000 वाट के इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। This video is sponsored by OurPCB.com. OurPCB is a Chinese website where you can order high quality PCBs from China. OurPCB provide you three types of services. They also provide you PCB manufacturing in high quality components, procurement in high quality components, and they also provide you PCB assembly in affordable price. And if you want to order your PCB from OurPCB, just click on this quote now button and submit your information via adding your name, your phone number, your email address, message, and after that you have to upload your Gerber file on this form and submit your order. And now your order is submitted and our PCB will contact you via your email. And if you want to contact with our PCB, you have to click on this contact with us button. And if any problem with PCB, you can contact our PCB, link in the description. तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुका है जी हमारे पास 3000 वाट का इन्वर्टर। अब करनी है जिसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। तो सबसे पहले आप इसकी यहाँ पर फर्स्ट लुक देख सकते हैं कि इन्वर्टर दिखने में इस तरह का है। तो ये कंपनी की तरफ से जो है शोर की तरफ से जो है 3000 वाट का इन्वर्टर निकाला है उन्होंने 2022 के अंदर। और इस 3000 वाट के जो अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो कंपनी कहती है जिसकी पीक पावर 6000 वाट है और उसकी जो आउटपुट पावर है 3000 वाट है। तो इसकी 3000 वाट की पावर को टेस्ट करने के लिए हमने काफ़ी सारी एक किस्म के जो है लोड को भी ट्राई करना है आखिर वो इसके ऊपर चल सकता है नहीं, और अगर चल जाता है तो ये बहुत ही कमाल का इन्वर्टर है। तो आपके सामने लाइव जो है चेक कराऊंगा, लाइव टेस्टिंग होगी, सब चीजें लाइव होंगी ताकि आपको पता चले वीडियो के जरिए। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट लुक में देख सकते हैं यहां पर इस तरह का इन्वर्टर है 3000 वाट का, डीसी टू एसी है, ये चीजें इसके ऊपर भी बनी हुई है जो चला सकता है। उसके बाद कंपनी ने बैक साइड पे इसके ऊपर ये भी लिखा हुआ है जी राइस कुकर चला सकता है इसके ऊपर, इसके ऊपर आप एनर्जी सेवर वगैरह, पेडिस्टल फैन, लैपटॉप, कॉफ़ी मशीन, एलसीडी ड्रिल और रेफ्रिजरेटर भी चला सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी मैं जो इसके ऊपर टेस्टिंग करने के लिए एक टन का एसी भी चला के चेक करूँगा आखिर इसके ऊपर चल सकता है या नहीं। तो दिखने में दोस्तों इन्वर्टर का इस तरह का है। सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करते ही आप देख सकते हैं इसके अंदर से निकलता है जी सबसे पहले हमारा इन्वर्टर। इसके अंदर कुछ जो है पेपर वर्क है कंपनी की तरफ से, और उसके बाद इसके अंदर से निकलती है जी केबल। तो केबल जो है इसकी बड़ी कमाल की और हाई क्वालिटी की केबल बनाई है, मुझे लगता है कम से कम जो है 10 से 12 एमएम की केबल है और काफ़ी जो है पावरफुल और मोटी केबल आप देख सकते हैं। ये कंपनी की तरफ से आई है जी केबल, इसके अंदर से निकलती है इसकी जेन्युइन। और उसके बाद दोस्तों ये आ चुका है जी हमारा इन्वर्टर, बहुत ही कमाल का आप देख सकते हैं श्योर कंपनी का इन्वर्टर है, सोलर पावर इन्वर्टर है, वजन में थोड़ा ज़्यादा है। और उसके बाद SUA3000A इसका जो है दोस्तों मॉडल नंबर है, USB 5 वोल्ट का ऑप्शन है। और अगर इसके फ्रंट साइड पे देखा जाए जो यहाँ पर जो है इसे आउटपुट का पोर्ट दिया हुआ है आपको, उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टर के अंदर यहाँ पर फैन दिया हुआ है ताकि जो है इन्वर्टर कूल रहे। ओरिजिनल शोर का अपना सीरियल नंबर वगैरह लिखा हुआ है। उसके बाद इसकी जो है बैक साइड में यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। उसके बाद दो टर्मिनल दिए गए हैं जिसके ज़रिए आपने पॉजिटिव नेगेटिव पर अपनी बैटरी को अटैच करना है।
और उसके बाद यहाँ पर USB पोर्ट का ऑप्शन है ताकि आप मोबाइल वगैरह की चार्जिंग कर सके। उसके ऊपर पावर और फॉल्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो ये है जी इन्वर्टर। तो सबसे पहले इन्वर्टर को ना चलाने से पहले हम इसको डिसअसेंबल करके देख लेते हैं आखिर इसके अंदर कंपनी ने क्या क्या लगाया हुआ है। तो लीजिए दोस्तों मैं करने लगा हूँ जी ओपन और आपको दिखा दूँ आखिर इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले कर दिया जी हमने ओपन, और ओपन करते ही आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा FATs इसके अंदर लगे हुए हैं। पहले मैं समझ रहा था शायद छोटा साइज़ है, तो छोटे साइज़ की वजह से शायद इसके अंदर जो है कंपोनेंट्स भी छोटे लगे होंगे, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा FAT लगे हुए हैं। जो 8 FATs हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, उसके बाद बड़े FATs जो हैं जिसके ऊपर लोड चलता है हमारा वो यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं बड़े साइज़ के FATs यहाँ पर कंपनी ने लगाए गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद इसका चॉपर का साइज़ देखा जाए तो चॉपर का साइज़ जो है काफ़ी बड़े साइज़ का बनाया है। अच्छा, इस पर जो कंपनी ने काम किया ना, पहले जो बड़ा साइज़ का इन्वर्टर आ रहा था 3000 वाट का, उसके मतलब उसको कंपैक्ट करते करते कंपनी ने इतने साइज़ में 3000 वाट का भी ये इन्वर्टर दे दिया है। और कंपनी क्लेम करती है भाई 3000 वाट तक का लोड इसके ऊपर आप चला सकते हैं। तो हम ये भी टेस्ट करेंगे आखिर इसके ऊपर हम क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। तो इसके ऊपर जो हमने लोड टेस्ट करना है वो हमने करने हैं जी जूसर मशीन इसके ऊपर चलानी है, इस्त्री चला के चेक करनी है, ड्रिल मशीन चेक करनी है, ग्राइंडर चेक करना है, और उसके बाद हमने फ्रिज चला के चेक करना है, वॉशिंग मशीन भी चला के चेक करनी है, और हमने जो है इसके ऊपर जो है दोस्तों एयर कंडीशन 1 टन का भी चलाकर चेक करना है, आखिर वो भी चल सकता है इसके ऊपर नहीं। तो ये काफी चीज अच्छी होने वाली है कि इस इन्वर्टर के जरिए आप काफी सारी चीजें चला सकते हैं। और ये भी चेक कर लेंगे हम कि आखिर मैक्सिमम क्या क्या चीजें चल सकती हैं, और जो नहीं चल सकती होंगी वो मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा। तो जल्दी से इसको बंद करते हैं, उसके बाद हम इसको टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए दोस्तों अपने जो है मैंने इन्वर्टर की जो वायर अपनी बैटरी के साथ अटैच कर लिए, तो अब सबसे पहले इसको एक दफा पावर ऑन करके चेक कर लेते हैं। वाओ दोस्तों आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले हम टेस्ट करने वाले हैं इसके ऊपर ड्रिल मशीन। तो लीजिए दोस्तों ये आ चुकी है हमारे पास ड्रिल मशीन, इसको हम टेस्ट करने के लिए लगे हैं। सबसे पहले आखिर इसके ऊपर चलती है नहीं, मैं इसको कर लेता हूँ पावर ऑन, और आप देख सकते हैं अब इसको मैं चला के चेक करने वाला हूँ। और यहाँ पर आप वायर देख सकते हैं, वायर डायरेक्ट इन्वर्टर से आ रही है और कहीं से भी नहीं आ रही, कोई और इसके अंदर कोई जुगाड़ नहीं है, सिर्फ जेन्युइन इस इन्वर्टर के ऊपर लोड चल रहा है। बड़ा बेहतरीन तरीके से भाई इसने ड्रिल मशीन चलाई है, ये चीज इसके ऊपर कामयाब है कि ड्रिल मशीन इसके ऊपर आप चला सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों बारी आ चुकी है जी दूसरे प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए, जो कि है जूसर ग्राइंडर, जो कि आम घर में हमारे पास होता है। अक्सर घरों में ये जो है लाइट चली जाती है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है चलाने के लिए, तो ये इसको भी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है ख़वातीन इसको यूज़ कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो हम इसको चला के चेक करते हैं आखिर इस इन्वर्टर के ऊपर ये भी चल सकता है यानी। इसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ है और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा रोज़ा डाल देते हैं ताकि जो है मिक्सिंग होते हुए हमें नज़र आए। चलिए जी मैंने रोज़ा डाल दिया, मैं इसको पावर ऑन करने लगाऊँ जी। वाह दोस्तों ये बड़े बेहतरीन तरीके से ये भी चल रही है, इसकी पावर बढ़ाते हैं। ये आप देख सकते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो लीजिए दोस्तों हमारे जो इस इन्वर्टर ने जो है हमारे जूसर ग्राइंडर मशीन को भी जो है चला दिया है, तो ये भी काफी अच्छी चीज है कि इसके ऊपर आप ये भी चला सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों अगली चीज आगे आ चुकी है जी हमारे पास एंगल ग्राइंडर, जो कि 1200 वाट तक का है, इसकी मैक्सिमम पावर 1200 वाट है। इसको भी चला के चेक करना आखिर ये हमारे जो है एंगल ग्राइंडर का वजन उठा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले इसको मैं ऑन दोबारा कर लेता हूँ, ये ऑन हो चुका है, इसके बाद इसको चला के चेक करते हैं। एक ही दफा चेक कराऊंगा ताकि आपको पता चले, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं शायद ये बार बार लोड नहीं उठा सकता। वाओ दोस्तों आप देख सकते हैं आपने इसके ऊपर जो है हमने एंगल ग्राइंडर भी चला लिया है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप इसके ऊपर अपना एंगल ग्राइंडर भी चला सकते हो, और इमरजेंसी के लिए अगर आप इसको यूज़ करते हो इसके ऊपर कोई कटाई शटाई भी बड़ा बेहतरीन तरीके से हो सकती है। तो 1200 वाट तक का इसने भाई लोड उठा लिया है। तो लीजिए दोस्तों अभी हमने जो है 3 चीज़ें इस्तेमाल कर ली हैं, चेक कर ली हैं, उसके बाद आप जो है चौथी चीज़ भी चेक कर लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिक आयरन है। इलेक्ट्रिक आयरन का लोड क्या ये उठा सकता है, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा। तो लीजिए दोस्तों अब आ चुकी है जी हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि इलेक्ट्रिक आयरन, जो कि मैक्सिमम जो है 1500-1600 वाट तक की है। इसको भी टेस्ट करना है कि आखिर इसके ऊपर ये चल सकती है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमने इसके इन्वर्टर के साथ इसकी वायर कनेक्ट कर ली है, और सारी की सारी वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़ी है। तो जल्दी से अभी हम इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्वर्टर ऑन कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको पावर ऑन करूँगा इसकी लाइट ऑन हो जाएगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट ऑन हो चुकी है और ये ट्रिप कर चुका है। तो इसका मतलब कि ये इन्वर्टर जो है दोस्तों कम से कम इलेक्ट्रिक आयरन तक का लोड नहीं उठा सकता, क्योंकि साइज़ भी थोड़ा छोटा है। इसके ऊपर आप मैक्सिमम जो है 1500 या 1200
या 1100 वाट 1200 वाट तक जो हमने ग्राइंडर चलाया था उतना लोड चला सकते हैं। तो अभी दोबारा चला के चेक कर लेते हैं 1500 वाट की स्त्री। तो एक मिनट से सिर्फ 2 से 3 सेकंड चलती है रेड लाइट, जैसे ही लोड जलता है तो ये ट्रिप हो जाता है और ये बीप देना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब इसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक आयरन नहीं चला सकते। तो अब चलते हैं इसको लेकर बाहर, वहां जाके इसके ऊपर फ्रिज की टेस्टिंग करते हैं और वॉशिंग मशीन की टेस्टिंग करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं जी बाहर अपनी वॉशिंग मशीन को टेस्ट करने के लिए। और आप यहाँ पर मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं, ये आ चुकी है जी हमारी वॉशिंग मशीन जो कि है 1100 वाट तक की। और इसको हमने टेस्ट करना है आखिर हमारे इन्वर्टर के ऊपर चलता है नहीं। तो इन्वर्टर हमने यहाँ पर अटैच कर लिया, आप देख सकते हैं 3000 वाट का सेम इन्वर्टर है। इसकी जो यहाँ पर वायर आ रही है वॉशिंग मशीन की, इसको अटैच कर लेना 3000 वाट के इन्वर्टर के अंदर। और उसके बाद इसको कर देते हैं यहाँ से पावर ऑन। और कर दिया जी मैंने पावर ऑन, और जैसे ही पावर ऑन किया आप देख सकते हैं हमारी वॉशिंग मशीन चलना स्टार्ट हो गई है। और अगर मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ आप देख सकते हैं बंद हो जाती है और यहाँ से फिर चल रही होती है। और उसके बाद अगर मैं दोबारा इसको यहाँ से बंद करूँ तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ से इसको बंद करने लगाऊँ और वहाँ पर हमारी वॉशिंग मशीन जो है दोस्तों आपको बंद होती हुई नज़र आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमारी वॉशिंग मशीन बंद हो गई है। मैं दोबारा इसे ऑन करता हूँ तो ये दोबारा ऑन हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आपके इस तरह जो है आप अपनी वॉशिंग मशीन को जो है इस इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। तो अब बारी आ चुकी है इसके ऊपर रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज को चेक करने की, आखिर वो चलता है या नहीं। तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुका है जी हमारा सेम रेफ्रिजरेटर जो कि बड़े साइज़ का रेफ्रिजरेटर है हायर कंपनी का। हमने पहले भी इसको टेस्ट किया था तो अभी जो है ये मुकम्मल जो है बंद पड़ा है क्योंकि मैंने इसकी बिजली से इसकी तार निकाल दी है और ये बिल्कुल भी ऑन नहीं है। तो हमने इसको चेक करना है अपने जो है इन्वर्टर के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर मैंने अटैच किया हुआ सेम बैटरी के ऊपर, 3000 वाट का इन्वर्टर, इसके साथ सेम जो है इसका प्रोटेक्टर भी लगा हुआ फ्रिज का। तो अब इसको ऑन कर देते हैं यहाँ से। तो जैसे मैं ऑन करता हूँ आप जैसे इसका प्रोटेक्टर चल चुका है और ये 30 सेकंड के बाद ग्रीन हो जाएगा और हमारा फ्रिज चलने लग जाएगा। तो अब जो है हम कम से कम 30 सेकंड वेट करते हैं ताकि हमें पता चले कि आखिर हमारा फ्रिज इसके ऊपर चल रहा है या नहीं। तो लीजिए दोस्तों, अभी आप ऊपर देख सकते हैं हमारी जो है लाइट ग्रीन हो गई थी, उसके बाद हमारा चेक करता है फ्रिज आया इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही ग्रीन लाइट हुई है हमारा इन्वर्टर के ऊपर जो है फ्रिज चलना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी बेहतरीन तरीके से सब रीडिंग आ रही है और लाइटें वगैरह चलना स्टार्ट हो चुके हैं, कूलिंग भी स्टार्ट हो गई है इसकी और ये टोटली जो है हमारे इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैं अगर यहाँ से फ़ौरन बंद कर देता हूँ अगर इन्वर्टर को, क्या हमारा फ्रिज बंद होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं बंद हो चुका है और फ़ौरन देख सकते हैं हमारा फ्रिज यहाँ पर बंद हो चुका है और बिल्कुल भी लाइट वगैरह नहीं है। तो इसके ऊपर 3000 वाट के ऊपर आप फ्रिज वगैरह भी बड़ा आसानी से चला सकते हैं। इस्त्री जैसा लोड जो कि ज़्यादा लोड होता है 1500 वाट के इस्त्री हो तो मैक्सिमम चलने में 1800 वाट तक ले लेती है, तो वो लोड इसके ऊपर नहीं चलता था क्योंकि छोटा साइज़ है इन्वर्टर के अंदर। लेकिन कंपनी ने फिर भी इतना अच्छी कैपेसिटी दे दी है कि इसके ऊपर फ्रिज वगैरह, पंखे, लाइटें, ड्रिल मशीन वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह चला सकते हैं। तो अब बारी आ चुकी है इसके ऊपर 1 टन का एसी टेस्ट करने की, आखिर वो इसके ऊपर चल सकता है कि नहीं। अगर इसने 1 टन एसी को भी चला लिया यानी कि 1 टन एसी मैक्सिमम चल स्टार्टिंग में 1100 या जो है 900 वाट ले लेता है। तो अब इसको हम इसके ऊपर टेस्ट कर लेते हैं फिर चेक करते हैं आखिर ये कैसा इन्वर्टर है और क्या ये 1 टन के एसी को चला सकता है या नहीं। तो चलते हैं अभी अंदर। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ चुका है जी हमारा 1 टन का एसी जिसको हमने टेस्ट करना है। हमने कई वीडियो में इस अपने 1 टन के एसी को टेस्ट किया, ये हायर कंपनी का 1 टन का इन्वर्टर एसी है, इसको टेस्ट करना है। तो इन्वर्टर एसी चलने में कम से कम 1100-1200-1300 वाट तक लोड लेता है। तो इसको चेक करते हैं तो इसकी मैंने वायर जो है बिजली से निकाल दी है, अब इसकी वायर को जो है मैं इस इन्वर्टर के अंदर लगाने वाला हूँ। तो जल्दी से हम इसको इसके इन्वर्टर के अंदर लगा लेते हैं फिर हमने इसको चेक भी करना है। तो लीजिए जी मैंने इसको इन्वर्टर के अंदर लगा लिया है और इन्वर्टर के अंदर आप देख सकते हैं वायर लग चुकी है, अभी भी एसी जो है बंद पड़ा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो मैं इसको जल्दी से ऑन कर लेता हूँ 3, 2, 1। तो यहाँ पर मैंने ऑन कर लिया है और ऑन होते ही आप देख सकते हैं हमारा जो है ग्रिल ऑन हो चुकी है। अभी जो है मैं इसको बटन से या रिमोट से इसको ऑन कर देता हूँ और मैं इसको कम से कम 22 डिग्री के ऊपर चला लेता हूँ। तो 22 डिग्री के ऊपर हम थोड़ा सा चलाने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आखिर कितनी देर लेगा हमारे एसी को चलने के लिए। तो लीजिए दोस्तों, अभी जो है 20 मिनट हो गए हैं इसको चलते को, अभी हम इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं आखिर कितना टेम्परेचर हमारा एसी हमारे इन्वर्टर से दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है टेम्परेचर मीटर लग दिया, अभी आप देख सकते हैं 29 डिग्री पर आ चुका है हमारा टेम्परेचर। और उसके बाद जो है हमारा टेम्परेचर और ऐसा ऐसा नीचे आएगा क्योंकि बड़ी अच्छी ठंडी कूलिंग आ रही है। 22 डिग्री के ऊपर जो है मैक्सिमम जो है हमें 22 डिग्री टेम्परेचर मिलना चाहिए। तो अभी 25 डिग्री तक आप देख सकते हैं बेहतरीन जो है टेम्परेचर आ चुका है। और अभी उसके बाद जो है टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा, मैं कुछ देर और रखता हूँ इसको तो आप देखेंगे इसका टेम्परेचर जो है और नीचे आ जाएगा। तो अभी टेम्परेचर जो है मैक्सिमम जो है दोस्तों 29 डिग्री तक जो है मैक्सिमम आ चुका है और अभी ह्यूमिडिटी जो है 31% दिखा रहा है ये।
और टेम्परेचर 29 डिग्री पे आ चुका है, यानी कि अगर मैं इसको काफ़ी देर और चलाऊं तो इसकी ठंडक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं जो है इसकी कूलिंग और बढ़ा देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा इसका टेम्परेचर का फ़र्क आ जाएगा। तो अभी जो देख सकते हैं दोस्तों टेम्परेचर जो है 28-27 तक आ चुका है। अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता और नीचे टेम्परेचर आता रहेगा। इसके लिए आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने इन्वर्टर के साथ इसको अटैच किया हुआ है, आपने भी सेम इसको इन्वर्टर के साथ अटैच करके बैटरी के साथ यूज़ कर लेना, क्योंकि मेरे पास बैटरी छोटी है, इतनी ज़्यादा बैकअप नहीं आएगा। बहुत से लोग समझते हैं कि छोटी बैटरी पर कैसे चल जाएगा, भाई चल तो जाता है लेकिन बैकअप नहीं मिलेगा, बैकअप के लिए आपको बड़ी बैटरी लेनी पड़ेगी। तो ये कह सकते हैं कि इस 3000 वाट के ऊपर आप जो है मैक्सिमम जो है एयर कंडीशन भी चला सकते हैं 1 टन का, अगर आपके पास बड़ी बैटरी हैवी ड्यूटी के साथ, आप इसके साथ सोलर लगा लेंगे तो फ्री एसी चलता रहेगा। तो लीजिए दोस्तों आपने देख लिया था, हमने जिस इन्वर्टर के ऊपर काफी सारा लोड चला के दिखाया, मैंने आपको इसके ऊपर ड्रिल मशीन चला के दिखाई, जूसर ग्राइंडर चला के दिखाया, वॉशिंग मशीन चला के दिखाई, उसके बाद फ्रिज चला के दिखाया, इसने जो है एयर कंडीशन का लोड भी उठा लिया। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आप इसके ऊपर एयर कंडीशन चलाएं, क्योंकि एयर कंडीशन चलाने के लिए आपको जो है एक बड़े साइज का इन्वर्टर लेना चाहिए, क्योंकि छोटे साइज में तो है, इसने चला तो लिया लेकिन ये ना हो इससे जो है कोई मसला आ जाए एयर कंडीशन में। तो इसलिए जो है मैं आपको कहूँगा जो इस तरह का शोर कंपनी का 3000 वाट का बड़े साइज में इन्वर्टर था जो ब्राउन बॉडी के अंदर था, वो आप उसके अंदर इन्वर्टर चलाएं, वो बेहतरीन तरीके से चला सकता है। लेकिन चला इसने भी लिया, लेकिन आप इसके ऊपर ना चलाइएगा। और बाकी इसने जो है हमने इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि इस्त्री भी चला के चेक की, वो भी इसने नहीं चलाई, क्योंकि उसका लोड मैक्सिमम जो है 1400 वाट तक कैसे ज़्यादा लोड उठा नहीं सकता। तो इसको हमने टेस्ट कर दिया ताकि मैंने आपको बता दूँ कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें चला सकता है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं चला सकता। अगर तो आपको ये इन्वर्टर की वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक शेयर को ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप अपने घर की चीज़ें पंखे लाइट फ्रिज और वाशिंग मशीन वगैरह चीज़ें चलाने के लिए अगर इन्वर्टर को लेना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से चाहे आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।